thank you, sir, for such motivation for all of us. We would now like to introduce another eminent social activist, Dr. Sandeep Pandey. A Ramon Magsaysay awardee, Dr. Pandey is a co-founder of the renowned NGO Asha for Education, along with our own faculty, Dr. Deepak Gupta. The NGO has worked extensively for empowering people and strengthening democracy from the very grassroots levels. Tonight, he will draw our attention to an acute disease which has gripped our political system, that is corruption. And more significantly, he will discuss his vision about an alternative to the current political system. To be the torchbearers for tomorrow's society, we must deeply understand, therefore, the problems plaguing our society if we desire to eradicate it tomorrow. So we invite Dr. Pandey to dais. जो मेरा समय है उसमें मैं बहुत थोड़े में अपने बात रखूँगा इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा समय हम लोग बातचीत में बिताएं मैं जो अपना काम है उसी के बारे में रखूँगा बात तो सीधे जो मुद्दा है उस पर आते हैं जो वैकल्पिक राजनीति का है Is there anybody in this room who cannot follow Hindi at all? कोई तो ऐसा नहीं है ना? ठीक। तो वैकल्पिक राजनीति के बारे में मैं बात रखना चाहता हूँ आपके बीच में और इसलिए भी कि मैं उस प्रयास में खुद लगा हूँ। आपने देखा कि देश में जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन खड़ा हुआ वो अंततः इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि एक राजनीतिक दल की ज़रूरत है ना और इसलिए एक नई पार्टी भी बनी है अब ये क्यों ऐसा करना पड़ा उनको इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लें और फिर हम लोग चर्चा में जाते हैं एक्चुअली मैं तो धर्मवीर साहब का धन्यवाद देना चाहूँगा कि ज़्यादातर बातें इन्होंने रख दी हैं इसलिए अब मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है पर जो मूल कारण है जिसकी वजह से राजनीतिक बदलाव की ज़रूरत है वो ये है कि इस देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो भ्रष्टाचार के पैसे से पोषित 16 लाख चुनाव लड़ने की सीमा है विधानसभा का लेकिन सब लोगों को मालूम है कि एक एक सीट पे जो बड़ी पार्टियां हैं जो अभी उत्तर प्रदेश का जो चुनाव हुआ उसमें दिसंबर में हिंदुस्तान अखबार ने लिख दिया था कि जो चारों बड़ी पार्टियां हैं समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी इनके उम्मीदवार हर एक सीट पे 125 करोड़ रुपए खर्च करेंगे ठीक है मतलब खुली जानकारी जबकि सीमा क्या है 16 लाख तो यानी कि वो जब दिखाएंगे अपना खर्चा क्योंकि खर्चा तो उनको देना है इनको ये उनसे खर्चा मांगते हैं तो वो खर्चा कितना दिखाएंगे एक्चुअली आप देखेंगे तो वो खर्चा 16 से बहुत कम दिखाते हैं कोई 5 दिखाएगा कोई 10 लाख दिखाएगा है ना और करोड़ों में खर्च किया है तो इसका मतलब ये कि जो वो दिखा नहीं रहे हैं वो पैसा कहां से आ रहा है और कैसे खर्च हो रहा है इसका कोई हिसाब किताब नहीं ठीक तो ये जो पैसा है वही असल में काला धन है और जितना पैसा विदेशों में जमा है ठीक है विदेशों में जो जमा है जिसको रामदेव जी वापस मंगाने की बात कर रहे हैं वो तो एक बार भ्रष्टाचार हुआ वो जाके वहां जमा हो गया ठीक है उसका अब कोई अपनी राजनीति में सक्रिय भूमिका नहीं लेकिन ये जो पैसा है जो 16 लाख से ऊपर वाला जो राजनीति में खर्च हो रहा है यह पैसा ज्यादा खतरनाक है क्योंकि यही पैसा हमारे समाज के जो भ्रष्ट और अपराधी हैं उनको विधानसभाओं में और संसद में पहुंचा रहा है तो लेकिन इसके बारे में लोग बहुत कम बात करते हैं कि हमारे समाज में जो काला धन है इसको हम कैसे वापस लाएं तो ये जो पैसा है ये कहां से आ रहा है ये पैसा दो तरीकों से आ रहा है
एक तो जो सरकार की विकास की योजनाएं हैं और जो समाज कल्याण की योजनाएं हैं, उदाहरण के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास योजना, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो राशन की योजना है, तो ये सब में चोरी होती है। आप कहीं भी चले जाइए, आपको ये एक आम शिकायत मिलेगी कि राशन का अनाज नहीं मिलता है, या मजदूरी गारंटी की परिभाषा ही बदल दी है इस देश की नौकरशाही ने। एक प्रमुख सचिव मुझे बता रहे थे कि गारंटी का मतलब कि ये अधिकतम, आप ये बताइए, रोजगार गारंटी अधिनियम है, वो कहता है 100 दिन का रोजगार मिलेगा, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए है? कि 100 दिन तो कम से कम मिलना चाहिए ना, ज्यादा भी मिल सकता है। एक प्रमुख सचिव मुझे बता रहा था, ये आप एक्टिविस्ट लोग बहुत कंफ्यूजन पैदा करते हैं। हाँ, 100 दिन की गारंटी का मतलब कि 100 दिन अधिकतम मिलेगा और 30-40 दिन एवरेज है भारत का। अब आप बताइए, कोई सरकारी कर्मचारी अपनी एक दिन की भी तनख्वाह कभी छोड़ेगा क्या? उसके लिए वो आंदोलन कर देगा। लेकिन इस देश के मजदूरों को 100 दिन की जो गारंटी है, जो कानूनन गारंटी है, वो भी नहीं दी जा रही, और उनका पैसा बैंक अकाउंट से निकाल लिया जा रहा है। उनके बैंक अकाउंट खुलवाए गए जीरो बैलेंस पे, लेकिन वो जो मजदूरी का पैसा जाता है, आज ही हमारे एक साथी हैं, उन नाव से हमारे कुछ साथी आए हुए हैं, तो हमारे एक कार्यकर्ता हैं, उनके खाते में 100 दिन की मजदूरी डाल दी गई, उनसे कहा कि तुम 2500 रुपये ले लो, हाँ बाकी हमारे पास रहने दो। और इस तरह से ये जो पैसा है भ्रष्टाचार का, ये हमारे जो राजनीतिक लोग हैं उनके पास पहुँच रहा है। और दूसरा कि जो बड़ी परियोजनाएं हैं उसमें कमीशन, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2G स्पेक्ट्रम और इस तरह की चीज़ें, तो उसमें पहले से ही बातचीत हो जाती है कि भाई आप इतना पैसा दीजिए तो हम आपको ये ठेका दे देंगे या आपको ये काम दे देंगे। तो इससे इस देश की राजनीति चल रही है। और दिक्कत यह है कि मैं इनकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि मुख्यमंत्रियों को अच्छे नौकरशाह चाहिए। किस लिए? उनकी इमेज को ठीक करने के लिए। हाँ, अभी मैं एक अनशन पे बैठा था दिसंबर में विधानसभा के सामने, मैं और मेरे साथी अनिल मिश्रा जी, जो भारतीय किसान यूनियन में पहले थे, अभी जो है हमारे साथ काम कर रहे हैं, और हम लोग ये मांग कर रहे थे कि इस देश में न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई जाए, क्योंकि पिछले 20 साल में जो सर्विस सेक्टर है उसकी तनख्वाह बढ़ गई है करीब 14 से 15 गुना। हाँ, मैं यहाँ पे 92-93 में पढ़ाता था, मेरी तनख्वाह थी 6000 रुपये, और 18 साल बाद मैं एक नया IIT खुला है गांधीनगर में, वहाँ एक पढ़ाने गया 3 महीने के लिए, तो मैंने देखा कि विजिटिंग प्रोफेसर की तनख्वाह हो गई 85000 रुपये, मुझे तो मालूम भी नहीं था, 6000 का हो गया 85000 20 साल में। कितने की बढ़ोतरी? 14 गुना से थोड़ा ज़्यादा। जब हम लोग यहाँ पे कैंपस में जो निर्माण मजदूर और सहकारी समिति में काम करने वाले मजदूर हैं उनकी मजदूरी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो उस समय उत्तर प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी थी 42 रुपया, ठीक, आज हो गई है 120 रुपये। कितने की बढ़ोतरी? 3 गुना, ठीक। इससे क्या होगा? इससे भाई ये बढ़ेगा ना गैप। भाई जिसके पास पैसा था पर्याप्त, मैंने तो डॉक्टर धांडे से कहा था, वो मेरे हेड ऑफ डिपार्टमेंट हुआ करते थे, उस समय मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं अपने साथी जगतपाल जी को बता रहा था कि मैंने एक दिन उनसे कहा कि 6000 मुझे क्यों देते, मेरा काम 2000 में ही चल जाएगा। बोले यार ये कैसे होगा, जिस पद पे तुम हो उसमें तो 6000 मिलते। तो अमीर और गरीब के बीच का फर्क इन्होंने बढ़ा दिया, इसको ये क्या कहते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म, नहीं नहीं सरकार क्या कहती है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ठीक है। अभी 4 तारीख को एक प्री बजट कंसल्टेशन था चिदम्बरम जी के साथ में, मैंने कहा ये रिफॉर्म्स है कि ये बिगाड़ है, आप जो है LPG का जो है वो बढ़ा देंगे, सब्सिडी खत्म कर देंगे, पेट्रोल डीजल का की कीमत बढ़ा देंगे, और फिर उसे कहेंगे ये रैशनलाइजेशन है, रैशनलाइजेशन ऑफ प्राइसेस, और आप जो है इनको कंपनियों को, आपको मालूम है ये PPP के अंदर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, आप एक समझौता उठा के देख लीजिए, ये जो कंपनियां आ रही हैं ये अपने लिए मुनाफे को गारंटी करके आ रही हैं,
एक डीएनडी फ्लाईओवर बना है दिल्ली से नोएडा को जोड़ने वाला, उसका आप एमओयू उठा के देख लीजिए। उसमें यह है कि जब तक उसको पूरा प्रॉफिट नहीं मिल जाएगा, उसके अलावा उसको जमीन भी मिल गई कमर्शियल यूज के लिए, और एक साल में उसका टारगेट है कि इतना पैसा हमको मिलना चाहिए टोल से, और अगर मान लीजिए उतना नहीं मिला, अगर वो कम रह गया, तो जो शॉर्टफॉल है वो अगले साल में जुड़ जाएगा। और जो शुरू में 7-8 साल में उसने सोचा था कि पैसा मिल जाएगा, अब वो साल बढ़ते जा रहे हैं कि नहीं अब तो और साल लगेंगे। तो इस देश में जो हम लोगों का मानना है, और यहाँ पे हमारी सोच, अरविंद मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, अरविंद केजरीवाल, लेकिन जो ये मुद्दे हैं देश की जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक, हाँ वो सिर्फ भ्रष्टाचार का सवाल उठा रहे हैं। और हम लोग कह रहे हैं कि इस देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार ये है कि यहाँ नीतियाँ ही गलत बनाई जाती हैं। नीतियाँ इस तरह से बनाई जा रही हैं कि इस देश में जैसा मैंने कहा अमीर गरीब का फर्क बढ़ रहा है, और इस देश के एक बड़े वर्ग को न्यूनतम सुविधाओं से भी वंचित किया गया। जब मैंने यहाँ की नौकरी छोड़ी तो मुझे बलिया पहुंचाया था, उस समय पीएचडी कर रहे थे, इस समय आईएससी के प्रोफेसर हैं प्रबाल मैती, महेंद्र जी के बहुत अच्छे दोस्त हैं, पीछे बैठे हुए हैं, वो अभी गए हैं कोलोराडो एक साल के लिए कोई रिसर्च के काम के लिए। वो बता रहे थे कि उनके बच्चों का भी न सिर्फ फीस माफ है, मुफ्त है, बल्कि यूनिफॉर्म, किताबें, और इस घर से स्कूल ले जाने की बस फ्री है। ठीक है, यानी कि शिक्षा मुफ्त है, हमारे भी मुफ्त है कागज में, उसका नाम है राइट टू एजुकेशन फ्री एंड कंपलसरी एक्ट, है ना। और आप किसी भी सरकारी स्कूल में चले जाइए और आप बताइए फ्री है क्या, और कंपलसरी तो आप तमाम बच्चों को देख लेंगे, कहीं कोई चाय की दुकान पे काम कर रहा है, कहीं कोई स्लीपर क्लास में झाड़ू लगाने आता है, बहुत सारे आईआईटी के प्रोफेसरों के घरों में मिल जाएंगे बच्चे काम करते हुए नौकर के रूप में, है ना। तो एक बहुत साधारण सी चीज जिसका नाम है कॉमन स्कूल सिस्टम, कि हर एक बच्चा एक जैसी शिक्षा व्यवस्था में जाए, ये 1968 का कोठारी कमीशन का रिकमेंडेशन है कि भारत में कॉमन स्कूल सिस्टम लागू होना चाहिए। तो कॉमन स्कूल सिस्टम इस देश में लागू नहीं कर रहे हैं, और उसी का एक इनहेरेंट कॉन्सेप्ट है नेबरहुड स्कूल, कि बच्चा अपने घर के सबसे पास वाले स्कूल में जाएगा, और अपने भारतीय संदर्भ में उसको ऐसे कहा जाता है कि आईएएस अधिकारी और उसके चपरासी का बच्चा एक ही विद्यालय में जाएगा। तो वो व्यवस्था जो G8 के सारे देशों में लागू है, अमेरिका जैसे घोर पूंजीवादी देश में भी शिक्षा सबके लिए मुफ्त है, यहां तक कि भारत से जाने वाले एक प्रोफेसर के बच्चों के लिए भी, लेकिन हम अपने देश में एक जैसी गुणवत्ता की शिक्षा सब बच्चों को देने को तैयार नहीं है, और इस वजह से आधे बच्चे कक्षा 8 के पहले ही या तो स्कूल में जाते ही नहीं है, या उस 8 तक पहुंचते पहुंचते उसके बाहर हो जाते हैं, और सिर्फ 9 या 10% बच्चे कॉलेज में पहुंचते हैं। और उसके बाद बेरोजगारी का ये आलम है कि अखिलेश यादव जी को 1000 रुपये महीने का बेरोजगारी भत्ता देना पड़ता है, और वो उनकी सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि बताई जाती है, और प्रधानमंत्री कहते हैं कि बहुत शर्म की बात है कि हमारे देश में आधे बच्चे कुपोषित हैं। तो अब उनसे पूछो कि भाई आप 7-8 साल से तो आप ही प्रधानमंत्री, तो आप किससे शिकायत कर रहे हैं, आपको तो तुरंत इस्तीफा देना चाहिए अगर इस देश में हम, मैंने चिदम्बरम से कहा 4 तारीख को कि आप कहते हैं कि खाद्यान्न में हम स्वावलंबी हैं, ये स्वावलंबी होने का क्या फायदा है जब आधे बच्चों को ठीक से खाना नहीं मिल रहा है, और ये आधे बच्चे आप सर्वे करा लीजिए, ये आधे बच्चे वही होंगे जो स्कूली शिक्षा 8 के आगे नहीं पढ़ पा रहे। इसको कहते हैं नीतियों का भ्रष्टाचार। ठीक है, हमारे साथी योगेंद्र यादव जी गए हैं अरविंद की पार्टी में, और हो सकता है कि अरविंद की समझ इन विषयों पर बढ़ेगी धीरे धीरे, अरविंद बहुत होशियार समझदार साथी हैं, किसी भी मुद्दे को बहुत अच्छी तरह से बहुत जल्दी समझ जाते हैं। तो हम लोग ने ये तय किया है, मैं सोशलिस्ट पार्टी का हिस्सा हूँ, सोशलिस्ट पार्टी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जिनके हमारे महेंद्र वर्मा जी भी बहुत बड़े फैन हैं, हाँ उनकी पार्टी है,
जो उन्होंने बनाई थी आज़ादी के पहले कांग्रेस के अंदर, आपको मालूम है डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, अच्युत पटवर्धन, इन सब लोगों ने मिलकर वो पार्टी बनाई थी जो आज़ादी के बाद कांग्रेस से अलग हो गई और फिर विभिन्न रूपों में 77 तक मौजूद रही, 77 में जनता पार्टी के साथ मिल गई। जनता पार्टी का जब विघटन हुआ तो उसका जो रूप निकला वो आज हमारे सामने उत्तर प्रदेश में है, जहाँ नेता का बेटा ही नेता होता है। हाँ, तो ये तो समाजवाद के किस सिद्धांत में बैठता है मुझे मालूम नहीं, लेकिन हमने इसमें, मैं तो सिर्फ इसका एक हिस्सा हूँ। जस्टिस राजेंद्र सच्चर ने एक इनिशिएटिव लिया है और पिछले साल उस पार्टी को रिवाइव किया है और हम लोगों का एक मंच है, लोक राजनीति मंच, जो कुलदीप नैयर साहब ने पिछले लोकसभा इलेक्शंस के पहले बनाया था और हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं, उसमें बहुत सफलता नहीं मिल रही है मैं आपको बता दूं, लेकिन हम लोगों की कोशिश ये है कि ये जो राजनीति का चरित्र है, जो मुख्य दलों का जो भ्रष्टाचार के पैसे से राजनीति कर रहे हैं और तमाम किस्म के गलत लोग विधानसभाओं और संसद में पहुंच गए हैं, तो जैसा कि इन्होंने कहा धर्मवीर साहब ने कि जब तक अच्छे लोग राजनीति में नहीं जाएंगे, जब तक नौजवान पीढ़ी के नए लोग राजनीति में नहीं आएंगे, लेकिन नौजवान का मतलब वो नहीं कि सोनिया गांधी का बेटा, माधवराव सिंधिया का बेटा, हाँ, राजेश पायलट का बेटा और इस तरह के जो बेटे बेटियां हैं वो भी नौजवान हैं, मतलब उनको भी राजनीति करने का अधिकार है, अखिलेश यादव, लेकिन वो किस किस्म की राजनीति कर रहे हैं ये सबको मालूम है ना, वो स्टेटस क्वो वाली राजनीति कर रहे हैं, वो उसी भ्रष्ट व्यवस्था को आगे बढ़ाने की राजनीति कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा था कि जो अनशन पे हम लोग बैठे थे 440 रुपए की मजदूरी मांग रहे थे और एक किसान आयोग के गठन की मांग कर रहे थे कि एक किसान आयोग बना दीजिए जो किसान की जितनी लागत आती है उससे 1.5 गुना पे उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करें। तो हमारे एक आईआईटी के ही पढ़े हुए बहुत अच्छे ईमानदार आईएएस अफसर इस समय मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं, आमोद कुमार जी, सीतापुर के डीएम के रूप में उन्होंने लोकवाणी शुरू किया था जिससे पूरी गवर्नेंस के सिस्टम को ट्रांसपेरेंट कर दिया था। वो कहते हैं आपकी मांगें तो बहुत जायज हैं लेकिन बहुत कठिन है इसको पूरा करना। हाँ, और उन्होंने मुझे मुख्यमंत्री से मिलवाने का समय नहीं दिया, उन्होंने कहा कि नहीं ये तो जो है ये तो ऐसी मांगे हैं कि इसको पूरा ही नहीं किया जा सकता। मांगे तो सही हैं आपकी, तो मैंने पूछा क्यों नहीं किया जा सकता, बोले अगर ये सब ऐसा हो गया, मैं ये भी मांग रहा था कि जितनी ये मैं सारे भ्रष्टाचार को खत्म करने की मांग नहीं कर रहा था, मैं कह रहा था यार गरीबों की जो योजनाएं हैं, राशन, रोजगार गारंटी, पेंशन, इंदिरा आवास, बच्चों का वजीफा, मिड डे मील, ICDS, आंगनबाड़ी, ये जो गरीबों के लिए, इसका भ्रष्टाचार बंद करवाओ, और जो किसानों के साथ दलाली चलती है 1285 रुपए प्रति क्विंटल उसको गेहूं का रेट मिलना चाहिए, चावल का भी यही था, धान का भी यही था ना, यही रेट था। और ये जब हमारे किसान साथी गेहूं और धान लेके जाते हैं बिक्री केंद्रों पे तो वहां दलाल लगे रहते हैं और वो बोलता है केंद्र वाला कि अभी हमारे पास सरकारी बोरा नहीं है जिसमें हम ले सकें FCI वाला, तो दलाल कहता है कि अभी घर कहां ले जाओगे, मुझे ही दे दो 800-900 रुपए में। तो ये दलाली चलती है यूपी में हर एक जगह, कहीं भी किसान को 1285 का रेट नहीं मिला। तो आप बताइए कि जो किसान कर्ज लेके जिसने खाद और बीज और ये जो है ये सब खरीदा होगा, कीटनाशक वगैरह, वो अपना कर्ज कैसे पूरा करेगा उसको। तो मैंने आमोद से सिर्फ इतना कहा कि तुम मुख्यमंत्री के बहुत नज़दीक हो, तुम कम से कम गरीबों और किसानों में के साथ जो भ्रष्टाचार और दलाली हो रही है उसको बंद करवा दो। तो वो मुझसे कहता पार्टी कैसे चलेगी फिर, ये जवाब दिया उसने, और वो ईमानदार अफसर है। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा था ईमानदार लोगों की तो हालत ये है। तो मैंने कहा अच्छा मुझे मिलवा दो, मैं कह दूंगा मुख्यमंत्री से। बोला मैं आपको कैसे मिलवाऊं, उन्हें लगेगा कि मैंने ही आपको अनशन पे बिठाया है हाँ मिलवाने के लिए। तो ये राजनीति की हालत है। हम लोग ये चाहते हैं कि जो जिन नौजवानों में इस देश की राजनीति और नवयुवतियों में भी, क्षमा करें, जो नौजवान और नवयुवतियाँ इस देश की राजनीति को बदलने के लिए 16 लाख से बहुत कम में, और संसद का चुनाव का 40 लाख है ना सीमा, 40 लाख से बहुत कम में, हम लोग जब चुनाव हम लोगों के साथ ही लड़ते हैं तो कोई 1 लाख खर्च करता है, कोई 40,000 खर्च करता है, इस तरह से
वोट भी उतने कम आते हैं, किसी किसी को 200 वोट, किसी को 300 वोट, किसी को 1000 वोट। लेकिन हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि एक वैकल्पिक राजनीति, साफ सुथरी, जनता के मुद्दों पे, बहुत कम पैसों में, जो हम जनता से चंदा लेके लड़ सकें। हाँ, लेकिन हम इस राजनीति को जिंदा रखना चाहते हैं, ताकि जनता को ये कहने का मौका नहीं मिले कि हमारे सामने जितने हैं सब भ्रष्ट हैं। तो अगले लोकसभा चुनाव में जिसके उतरने की तैयारी हो, हाँ, और आपको सोशलिस्ट पार्टी की विचारधारा से या लोक राजनीति मंच की वैसे कोई विचारधारा नहीं है, हम तो कहते हैं यार आप सिर्फ संविधान का जो पहला वाक्य है, हाँ, सोशलिस्ट, ठीक है, कैपिटलिस्ट नहीं है, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, सॉवरन, रिपब्लिक, यही चार चीज है ना, और भी कुछ है, पांचवा तो नहीं है कुछ, सेक्युलर, ठीक है, सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, सॉवरन, रिपब्लिक, बस इतना मान लो हमारे लिए काफी है। लेकिन फिर सोशलिस्ट की जगह कैपिटलिस्ट मत बन जाना और सेक्युलर की जगह कम्युनल मत बनना, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ, ठीक है, इतना मान लो और चुनाव के मैदान में आ जाओ और हम लोग जो है जोर लगाएंगे, कैंपेनिंग करेंगे, और ठीक है जितना वोट मिलेगा मिलेगा, लेकिन इस देश की राजनीति को बदलने का जो हम लोगों ने बीड़ा उठाया है उसमें अगर आप भी साथ देंगे तो आए। पार्टी में शामिल होना ज़रूरी नहीं है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में भी लोग खड़े होंगे, और हमारा जो मंच है, जो अनरजिस्टर्ड मंच है, जिसमें भारत के तमाम सामाजिक काम करने वाले लोग शामिल हैं और आगे शामिल होंगे, हम लोग आपका समर्थन करेंगे, ठीक है। तो इतना कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, और अब हम लोग एक लिस्ट बनाएंगे कि जो लोग जहां से चुनाव लड़ना चाहें तो आप अपना नाम और कॉन्स्टिट्यूएंसी। हाँ जी, परसेप्शन से अगर आप देखते हैं तो वो पैसे का ऑप्टिमाइजेशन है। ये सर मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आपको क्या लगता है सर, वो पैसे का ऑप्टिमाइजेशन हो पा रहा है या नहीं? और सर दूसरा क्वेश्चन ये था कि आप सीधा सीधा सवाल क्यों नहीं पूछते यार, कि उसमें जो भ्रष्टाचार हो रहा है वो नहीं। सर अगर मान लीजिए भ्रष्टाचार नहीं भी हो रहा है, 100% सफल, वो अकाउंटेबल है, ट्रांसपेरेंट है, इन दैट केस टू क्या आपको लगता है सर वो बेटर है इंस्टेड ऑफ इंडस्ट्रीज को अलॉट कर देना पैसा? हाँ मैं समझ गया आपका सवाल। और सर एक और क्वेश्चन है सर, एक तो ग्रोथ रेट पे हमें कुछ कहना है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है आपकी भाषा में, ठीक है, क्या प्रोडक्ट है? मिनरल वाटर। पानी है, कहाँ से आया है सर? कितनी कीमत है? रिवर से आया, मतलब अरे जमीन से निकाला है ना। yes, कीमत कितनी है इसकी? ऑलमोस्ट 2 or 3 rupees। अरे पानी है, किसी से निकालोगे, हैंडपंप से, पंप से, पानी नदी से लोगे, तालाब से लोगे, कितने में लोगे? पानी मुफ्त है ना प्रकृति में, इंसान के पीने के लिए है ना, ताकि वो जिंदा रहे। इस बोतल की कीमत कितनी है? ऑलमोस्ट 10 rupees। 10 rupees है, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया कि किसान जब मेहनत करता है तो 1285 का उसको नहीं मिलता है रेट, वो कर्ज में जीता है, ठीक है। सिर्फ आपने एक मुफ्त में मिलने वाली चीज का दाम 10 rupees रख दिया, और जो बेचारा दिन रात मेहनत कर रहा है कि खुद भी खाए और आपको भी खिलाए, क्योंकि हम और आप खेती नहीं कर सकते, तो चूंकि उसका मूल्य आपने जानबूझ के इतना कम रखा है कि वो कर्ज में रह के आत्महत्या कर ले, और मुफ्त की चीज को आपने लूटने की छूट दे दी है कंपनी को, तो आपका जीडीपी तो बढ़ेगा ही इंडस्ट्री का, किसान का कैसे बढ़ेगा सर? बट उसका नाम आपने इतना कम रखा हुआ है सर। बट जैसे अमूल नहीं, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस समय हिंदुस्तान में पानी के व्यापार पर 90% कोका कोला और पेप्सी कोला का कब्जा है, ठीक है, एक्विफिना और किनले के नाम से। तो
आप जो है, और अभी वॉलमार्ट के आने की तैयारी है, तो आप इन विदेशी कंपनियों को इस देश की प्राकृतिक संपदा को लूटने की छूट दे दी है आपने। मन माने दाम पे वो अपनी चीजों को बेच रही हैं। इसके खिलाफ कोई बोलने को नहीं तैयार है। हम ये पानी खरीद के पीते हैं बाजार से, और फिर आप कहते हैं हमारे तो जीडीपी तो बढ़ेगा ही इंडस्ट्री का, जब आप मुफ्त की चीज को आप 10 रुपए में बेचने की छूट दोगे, और जिससे हमको जिंदा रहना है, जो कीमत किसान को मिलनी चाहिए ताकि वो अपना गुजारा चला सके, उसको हम देने को तैयार नहीं है। हम 120 रुपए की मजदूरी, 120 मोन्टेक सिंह कहता है 26 रुपए बीपीएल लाइन है, 26 रुपए में इस समय में कोई जी सकता है क्या? पूरा परिवार 28 रुपए 32 रुपए वो तय करता है बीपीएल, और इतना कम क्यों तय करता है? ताकि भारत में गरीबी कम दिखाई जा सके। हाँ, जो न्यू लिबरल पॉलिसी को सपोर्ट करता है और वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की नीतियों को यहाँ लागू करता है, हाँ, वो और कोई नहीं होगा। तो मेरा सिर्फ ये कहना है, आपका ये जो सवाल है, जो आप इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि नरेगा में पैसा आप क्यों बर्बाद कर रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, और वो पैसा जो है इंडस्ट्रियल भी सर उस तरीके की नहीं, ग्रोथ में क्यों नहीं, मैं इसका जवाब दे दूं आपको। सर, नरेगा से क्या हुआ है, देखिए मैं आपको बता दूं, नरेगा से जो 2-3 फायदे हुए हैं, ठीक है, इस देश में प्लानिंग कमीशन के एक सदस्य तो नहीं थे, वो उसमें काम करते थे, अर्जुन सेन गुप्ता, उन्होंने 3-4 साल पहले एक रिपोर्ट जारी की जिसमें ये लिखा था कि इस देश का 77% असंगठित मजदूर 22 रुपए से कम पे अपने जीवन का गुजारा चला रहा है, ठीक है। तो जहां जिस देश में इतनी कम मजदूरी है या इतने कम पैसों में लोगों को जीना पड़ रहा है, उस देश में नरेगा के आने से क्या क्या हुआ? नंबर एक कि वो एक योजना से एक कानूनी अधिकार बन गया। पहले वो कहलाता था फूड फॉर वर्क स्कीम, हाँ, जिसमें कि फूड तो कभी मिलता नहीं था, मजदूरी जो है मिल गई तो लोग बहुत सभाषण मानते थे अपने को। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के आने के बाद अब मजदूर अधिकार के रूप में अपनी मजदूरी मांग सकता है। पहले क्या था कि अगर कोई विधायक कोई अधिकारी चाहेगा तब कहीं पे काम होगा, तब कहीं तालाब खोदेगा, तब कहीं सड़क बनेगी, लेकिन अब एनआरईजीए के तहत अगर एक मजदूर एक एप्लीकेशन देता है तो कानून ये कहता है कि 15 दिन के अंदर उस मजदूर को उस ग्राम सभा में काम मिलना ही चाहिए, ठीक है। काम कहां से लाएं वो अधिकारियों की और जो ग्राम प्रधान है वो उनकी चिंता है, पर मजदूर ने काम मांगा तो आपको मजदूर को देना है। तो पूरा इनिशिएटिव जो रूलिंग एलिट्स के पास में था, वो इनिशिएटिव काम शुरू कराने का आ गया मजदूरों के हाथ में। सबसे बड़ा फायदा एनआरईजीएस का ये हुआ है। दूसरा, इस देश के गरीबों के बैंक अकाउंट नहीं होते थे, तो जीरो बैलेंस पे बैंक अकाउंट खोलने की सुविधा दी गई। अब हर एक मजदूर का अपना बैंक अकाउंट है, उसमें से मजदूरी की चोरी हो रही है वो बात दूसरी है, लेकिन उसका बैंक अकाउंट खोल गया। और नरेगा के आने के बाद 2006 में यूपी में मिनिमम 92-93 में 42 था जब मैं यहां पे था, और अभी 2006 तक 42 से 58 बढ़ा था। आप सोचिए 16 रुपए का सिर्फ उसमें इजाफा हुआ था, लेकिन नरेगा के आने के बाद तुरंत मायावती ने 58 को 80 किया, और 80 के बाद 100 किया, और फिर 100 के बाद 120 हुआ, 120 के बाद 125 हो गया, 4 किश्तों में 2006 से 2012, 6 साल में, ठीक। तो मजदूरी बढ़ गई मजदूरों की, और अब मजदूर जब जाता है तो वो अधिकार के साथ अपनी मजदूरी लेता है। नरेगा में ये नहीं कहा है कि जो मजदूरी कर सकेगा उसी को मजदूरी मिलेगी, नरेगा में ये कहा है कि औरत, बूढ़ा, विकलांग कोई भी आए, 33% महिलाओं को काम देना जरूरी है, तो जो भी काम मांगेगा उसको, जो काम करने को तैयार है उसको आपको काम देना है। तो तमाम महिलाएं और बूढ़े और ऐसे विकलांग लोग भी अब जो है, विकलांग लोग क्या काम कर सकते हैं आप पूछेंगे, हाजिरी भर सकते हैं, पानी पिला सकते हैं, इस तरह के भी काम है उसमें। तो तमाम इस तरह के लोगों को काम का मौका मिला है, और अधिकार के रूप में आज मजदूर अपनी मजदूरी ले रहा है। लेकिन जो हमारा जो शासक वर्ग है वो साजिश करके, उसमें भ्रष्टाचार करके मजदूरी उन तक पहुंचने नहीं दे रहा है, 100 दिन का काम उनको नहीं दे रहा है, ये सारी दिक्कतें हैं। लेकिन हम लोगों ने ये देखा है कि 2006 से लेके
अभी तक इस तरह के परिवर्तन आए हैं नरेगा की वजह से जो उसके पहले कई सालों में नहीं हुए थे। तो ये जो कुछ भी हुआ है ये इससे गांव की स्थिति कम से कम थोड़ी सुधरी है। लोगों का ये भी कहना है कि जो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन था वो कुछ कम हुआ है जो इसका एक उद्देश्य था। तो गांव में मैं पहले देखता था कि तालाब वालाब तो सब खत्म हो गए थे क्योंकि एक प्रवृत्ति ये होती है कि जहाँ भी तालाब है उसको किसी तरह धीरे धीरे भर के और फिर वहाँ कब्जा करके घर वर बना लो। लेकिन चूंकि जो कागज़ पे तालाब थे वो खुदने थे तो वो सारे खुदे, गांव में तालाब अब आपको दिखेंगे, तालाबों में पानी आएगा तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा, ठीक है, पेड़ लगेंगे, सड़कें बनेंगी, आप कच्ची भी सड़क है तो आपको चूंकि काम करते रहना है तो सड़क जैसे ही खराब होगी अगले साल फिर बनेगी। तो गांव में एक किस्म का ट्रांसफॉर्मेशन आया है नरेगा की वजह से और मजदूरों की जो हालत सुधरी है वो किसी भी इंडस्ट्री के लगने से नहीं हो सकता था। माफ करेंगे जी संदीप भाई, जो भ्रष्ट सिस्टम है जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट पॉलिटिक्स उनका काफी यूनिटी होता है ना, और काफी कोऑप भी कर लेते हैं जो लोग सोच सकते हैं, पर जो सही सोच रहे हैं अभी लोग, जो हम लोग सोचते हैं सही सोच रहे हैं, उन्हें यूनिटी का अभाव, जैसे आईआईटी में भी या फिर ऐसे आपका ग्रुप, बहुत सारे ग्रुप, छोटे छोटे ग्रुप क्या मिल सकते हैं, जैसे आजादी के आंदोलन के समय काफी एक अम्ब्रेला था, इस तरह का कुछ आप उस तरह पे कुछ काम हो रहा है? वो मिलेंगे ही, देखिए जब परिस्थितियां बनेंगी तो जैसे अभी मतलब हम लोग हैं या अरविंद की पार्टी है या ऐसे और जो लोग भी हैं जो एक अच्छी साफ सुथरी राजनीति को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जब समय आएगा तो निश्चित रूप से वो सारी शक्तियां साथ होंगी। इसके प्रयास चलते भी रहते हैं लेकिन ऐसे मौके आते हैं जब एक ऐतिहासिक ज़रूरत, भाई वो जो आंदोलन हुआ रामलीला मैदान पर उसमें हम सब लोग गए ही तो उसमें तमाम लोग पहुंचे, अरुणा रॉय का मतभेद होते हुए भी अरुणा रॉय पहुंची वहां पे, तो मीना पाटकर पूरा समय वहां पे लगी रही जब तक वो समझौता नहीं हुआ सरकार के साथ। तो वो सारे लोग आएंगे साथ में जो एक साफ सुथरी व्यवस्था को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या जो पूरे भ्रष्टाचार और ये जो तंत्र है जिसपे अपराध का शिकंजा हो गया उसके खिलाफ जुड़ रहे हैं जी। देखिए ये सवाल बहुत टेढ़ा है और इस पर तो आपको पूरी एक अलग से बहस रखनी पड़ेगी। मैं सिर्फ संक्षेप में इतना कहना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले मेरा दैनिक जागरण में एक लेख है इसके ऊपर, हाँ, जिसके बाद मेरे सवर्ण साथी हैं उन्होंने खूब गालियाँ सुनाई और जो जो दलित साथी थे उन्होंने उसकी फोटोकॉपियाँ करा करा के बांटी। मैंने पदोन्नति में आरक्षण का समर्थन किया है और उसकी क्या वजह है ये मैं आपको बता दूँ कि देखिए इस देश में आरक्षण की क्या जरूरत है। जब आप कहते हैं धर्मवीर साहब कि इस देश में धर्म और जाति का इस्तेमाल राजनीति के लिए नहीं होना चाहिए, उसमें मैं इनकी बात से डेढ़ उसका हिस्सा तो सहमत हूँ, हाँ, तीन चौथाई, एक चौथाई में सहमत नहीं हूँ। अगर कोई वंचित तबके का व्यक्ति अपनी जाति का इस्तेमाल करके अपने आप को संगठित करता है और जिसकी राजनीति में बिल्कुल भूमिका नहीं थी और वो राजनीति में अपनी भूमिका को बनाने के लिए संगठित होता है तो उसको मैं नकारात्मक नहीं मानता हूँ। क्यों, मैं बताता हूँ। हिंदुस्तान में जिस तरह का समाज है और खास करके उत्तर प्रदेश में आपको मालूम है, ठीक है, यहाँ की जो जाति व्यवस्था है, जब मैं IIT छोड़ के गया 1993 में बलिया जिले में तो जो मेरी ननिहाल यहाँ से हमारे साथी जो पहले हमारे साथी मिले काम करने के लिए महेश भाई जो इस समय नानकारी में 12 ईंट भट्टा मजदूरों के बच्चों को साथ में लेके रहते हैं एक हॉस्टल नुमा व्यवस्था में और 40 बच्चों की अब पूरी व्यवस्था कर रहे हैं, कहाँ है महेश, ये बैठे हुए हैं। तो इनके गाँव में आपको मालूम है क्या परंपरा थी, और ये किसी को, आप में से कोई मोहन भागवत को जानता हो तो जरा उनको बताइएगा, हाँ, बलिया के रेवती नाम के गांव में जो सबसे बड़ा जमींदार था
उसने एक ऐसी परंपरा बना रखी थी कि उसके जमीन पे रहने वाले 500 मछुआरों के घर में जब कोई शादी होती थी तो बहू पहली रात जमींदार साहब यहां रहती थी, है ना, और दूसरी रात से अपने ससुराल में जाती थी। ये परंपरा थी, मतलब कोई चॉइस नहीं था। एक बार उन मछुआरों ने अपनी मर्जी से मुलायम सिंह की पार्टी को वोट कर दिया, तो जमींदार ने बुला के उनको क्या धमकी दी, ये नहीं कहा कि हमारी जमीन खाली करो, उसने कहा कल से तुम लोग हमारी जमीन पे शौच नहीं करोगे। और उन मछुआरों के लिए उस पूरे गांव में कहीं शौच करने की और कोई जगह नहीं थी, क्योंकि जमीनें सारी सवर्णों की हैं। कोई सवर्ण किसी छोटी जाति के या किसी दलित को अपनी जमीन पे शौच करने नहीं देगा। तो उनको जमींदार के सामने घुटने टेकने पड़े, उन्होंने कहा कि आप आगे से जहां आप कहेंगे वहीं हम वोट डालेंगे। ये है भारत की जाति व्यवस्था, ठीक है। और मोहन भागवत जी को कोई बता दे कि ये भारत में हुआ है, ऐसा होता है, हाँ इंडिया में नहीं, ठीक है, वो दिल्ली जैसी घटना की तरह सनसनीखेज नहीं होगा, लेकिन उतना ही दिल को झकझोरने वाला है। तो हिंदुस्तान की जो जिस तरह की, या जिस गांव में मेरा आश्रम है हरदोई के, वहां 20 साल पहले अगर कोई जाता और कहता कि चलो लालपुर के चमारों हमारे खेत में काम करने, कोई ब्राह्मण या ठाकुर, तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वो ना कर दे, उसको जाना ही पड़ता था खेत पे काम करने के लिए, ठीक। तो बहुजन समाज पार्टी के उभार से, मैं उसका कोई समर्थक नहीं हूं, क्योंकि मैं तो सोशलिस्ट पार्टी में हूं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के उभार से ये हुआ है कि वो दलित जो नहीं ना नहीं कर सकता था वो आज ना कर सकता है। उसकी राजनीतिक हैसियत जो है वो सवर्णों के बराबर हो गई। काशीराम एक चीज कहा करते थे, वो ये कहते थे कि जो हिंदुस्तान की जाति व्यवस्था है वो ये है, ठीक है, और मैं चाहता हूं कि वो ऐसी हो जाए, ठीक, यानी कि जातियों में समानता हो जाए। तो इतना तो बहुजन समाज पार्टी और जो पिछड़े वर्ग की राजनीति करने वाले लोग हैं, मुलायम लालू, उनके बारे में आपकी जो भी धारणा हो, नीतीश, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार में जो करिश्मा खास करके विश्वनाथ प्रताप सिंह के मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बाद जो परिवर्तन आया है, और आपने जो एक दलित महिला को वोट दे के मुख्यमंत्री बनाया है, जो काम हमारे आदिवासी साथी नक्सलियों के साथ में मिलकर कर रहे हैं, वही तो काम उसने किया ना। नक्सली भी इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, उन्होंने बंदूक उठाई है। मायावती ने कहा हमें कोई आंदोलन नहीं करना है, बस तुम किसी तरह से पहुंचो वहां, कहां, वोट के बक्से तक, है ना, क्योंकि 20 साल पहले इस राज्य में दलितों को यह कहा जाता था कि वहां दिखाई पड़े तो टंगड़ी तोड़ देंगे, हां पोलिंग बूथ पे, ठीक है। तो वो पहुंच रहे हैं, वो वोट डाल रहे हैं, वो अपनी सरकार बना रहे हैं, और अमेरिका को तो 200 साल लग गए एक अश्वेत व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाने में, आपके देश में ये करिश्मा हो गया 60 साल के अंदर, ठीक। ये आरक्षण की राजनीति की ही देन है, क्यों, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने भी एक पार्टी बनाई थी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, लेकिन उनको नहीं मिला सफलता, क्यों, क्योंकि उनके पास कोई उनका साथ देने वाला नहीं था। काशीराम के आते आते एक पूरा वर्ग एक ऐसा तैयार हो गया था आरक्षण की वजह से, जो चंदा दे सकता था चुनाव लड़ने के लिए, उसको सरकारी तनख्वाहें मिल रही थी। तो पहले बामसेफ, फिर BS4 और उसके बाद BSP बना के काशीराम और मायावती ने यह सुनिश्चित किया कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलितों की भागीदारी एकदम शीर्ष स्तर पर होगी। और शीर्ष स्तर पर होने का फायदा क्या होता है, अब आप ये समझिए। मैंने अपने प्रयास से हरदोई, बाराबंकी और इलाहाबाद, तीन जगहों पे दलितों को जो जमीनें कागज पे उनके नाम पे थी 20-30 सालों से, लेकिन वो कब्जा नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो जैसे ही कुछ प्रयास करते तो उनके खिलाफ पुलिस में मुकदमा लिखा दिया जाता, क्योंकि जो कब्जा किए हुए थे वो सब क्षेत्र के प्रभावशाली लोग होते हैं। लेकिन मायावती के मुख्यमंत्री रहते हुए जब पुलिस और राजस्व विभाग का हम लोगों को सहयोग मिला, तब जाके हम लोग तीन जगहों पे कब्जा करा पाए। और आपको मालूम है, जैसे ही चुनाव परिणाम आए और ये पता लगा कि मायावती जा रही हैं और मुलायम सिंह आ रहे हैं, तो एक जमींदार साहब अपना ट्रैक्टर लेके पहुंच गए और 3 बीघा की खड़ी फसल पे एक दल की ट्रैक्टर चला दिया। और 6 महीने तक हम लोग जो है कोशिश करते रहे इस
प्रदेश के राजस्व मंत्री महेश के जिले के रहने वाले हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। मैंने उनसे कहा कि मुकदमा लिखाइए, और 6 महीने बाद मैंने कहा मैं अब जा रहा हूँ बैठने, वहाँ एक अम्बेडकर की मूर्ति है, वहीं पर मैं धरना करने जा रहा हूँ। तो 2 दिन के बाद एसओ ने जो FIR लिखी, वो लिखी 107-16 धारा में। आप में से जिनको मालूम होगा 107-16 धारा ये होती है जब दो लोग झगड़ा करते हैं, हाँ, जो दो बराबर के लोग जब झगड़ा करते हैं तो ये धारा लिखी जाती है। तो ये हालत है। तो इसलिए इस देश में देखिए 3 जगहों पर आरक्षण है। इलेक्टेड जो सीट्स हैं विधानसभा संसद की, वो तो पूरी भर रही हैं, लेकिन जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं और जो नौकरियां हैं उनमें दलित और पिछड़े वर्ग के लोग अभी अपने आबादी अनुपात में नहीं पहुंच रहे हैं। ठीक है, आप इस कमरे का ही आप एक वो सर्वे कर लीजिए और आप बताइए कि क्या भारतीय समाज में जो वर्ग जिस प्रतिशत में है, क्या उसका कुछ मिलता जुलता भी एक प्रतिनिधित्व है यहाँ पे? वो नहीं होगा। ठीक है, योगेंद्र यादव ने एक सर्वे किया था कि देश के किसी भी समाचार पत्र या पत्रिका का संपादक दलित नहीं है जो नेशनल लेवल की है। तो जब तक वो लोग उन पदों पे पहुंचेंगे नहीं जहां से वो नीतियां बना सकें, इस समय भारत सरकार की जो सबसे जो टॉप मोस्ट पोस्ट है सेक्रेटरी, उसमें एक भी दलित नहीं है, एससी नहीं है, ST है 2, उसके नीचे की जो पोस्ट है उस पर 5 SC है। ठीक है, ST सिर्फ 1 या 2 है। तो अगर ये IIT में जो सीटें हैं आप पता कर लीजिए SC ST स्टूडेंट्स की, वो भर्ती नहीं है, जबकि उनको 5 साल दिए जाते हैं 4 साल के बजाय। ठीक है, तो जब तक वंचित वर्ग के जो समाज के लोग हैं, जब तक वो समाज के ऊंचे पदों पे नहीं आएंगे, तब तक इस देश की नीतियां इस तरह की नहीं बनेंगी जिससे कि सबका फायदा हो, तब तक इस देश में कॉमन स्कूल सिस्टम नहीं लागू होगा। ठीक है, नहीं, इसीलिए मैंने इतना लंबा तर्क दिया कि अगर एक कोई दलित व्यक्ति, वो भले ही उसका पिता भी कोई बहुत अच्छे पद पे रहा हो, अगर वो किसी पद पे पहुंचता है तो जो वो निर्णय लेगा, वो जो नीतियां बनाएगा, ठीक है, उससे समाज के वंचित तबके को लाभ पहुंचेगा। ठीक, और ये जो पूरा आर्ग्यूमेंट है जो आपने कहा कि भाई वो जो है जो काबिलियत वाला जो आर्ग्यूमेंट है, मेरिट वाला, ये मैं मान सकता था अगर इस देश में जो मेरिटोरियस लोग हैं उन्होंने अपनी सेवाएं इस देश के लिए दी होती। ठीक है, इस देश के जो पढ़े लिखे लोग हैं और जो मतलब बहुत तेज दिमाग वाले लोग हैं, उन्होंने सिवाय अपने कैरियर्स को बढ़ाने के और इस देश में भ्रष्टाचार करने के कुछ नहीं किया है। इस देश में जो सारा भ्रष्टाचार है इस समय, वो उन सवर्ण दिमागों की उपज है जो ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए हैं। यूपी का एक अभी एक बहुत बड़ा IAS अफसर जो IAS टॉपर था, है ना, जो अपने मैं सोच रहा था कि वो जब स्टूडेंट रहा होगा तो वो अपने क्लास का सबसे मेधावी छात्र रहा होगा। ठीक है, IAS में टॉप किया और वो 70 करोड़ के घोटाले में पिछली मायावती सरकार में जो है पकड़ा गया, प्रदीप शुक्ला उसका नाम है। ठीक है, तो ये एक रिप्रेजेंटेटिव है। ये जो पूरा वर्ग है इसने तो समाज को लूटा ही है ना, उसने जो काबिलियत हासिल की उससे तो कागज पे हेरा फेरी करके अपने फायदे के लिए पैसा कमाया है। जो डॉक्टर है, जो काबिल है, वो पैसा लेके ही मरीज को देखता है। वो अगर सरकारी डॉक्टर है तो वो सरकारी अस्पताल में सेवा नहीं देता है, वो प्राइवेट प्रैक्टिस करता है। वो टीचर है तो वो क्लास में ठीक से नहीं पढ़ाता है, वो ट्यूशन में पैसा कमाता है। तो ये सारी काबिलियत का इस्तेमाल अगर समाज के हित में नहीं हो रहा है तो काबिलियत वाला आर्ग्यूमेंट लाभ नहीं होता है। सर, सॉरी टू इंटरप्ट, एक्चुअली वी आर रनिंग वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम, सो वी कांट टेक एनी मोर क्वेश्चंस नाउ। ओके, थैंक यू सर फॉर सच वाइब्रेंट स्पीच एंड सच मोटिवेशनल स्टेटमेंट्स।
Okay, we will now take our privilege to felicitate this eminent speakers, and we would like to kindly ask Dr. D.P. Mishra to do the honor. Please maintain silence. Thank you so much. Sir, we would also like you to thank you so much, all of you, and especially thank you, sirs, because it's a great privilege to have such luminaries among us, and we are closing this session with this, and we hope to meet again. So, a very good night.